शारिक फ्रॉम शारिक व्लॉग्स। तो आज हम लोग बना रहे हैं डॉन पराठे, फ्रोजन पराठे, जिसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। ये है मिल्क, पाउडर्ड मिल्क, खुश्क दूध और चीनी और घी, और ये है नमक, और ये है हमारे पास ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा। ठीक है, और अब हम इसे गूंदेंगे। एक चम्मच जो है मैदे में आटे में नमक, एक चम्मच दूध, खुश्क दूध और आधा चम्मच चीनी और तकरीबन एक चम्मच दो चम्मच घी इसमें डालना होगा। बच्चे तंग ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस घर में बच्चे हो वहाँ पर काम करना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पैंट पकड़ के खड़ा हुआ होता है, एक अम्मा का पुकार रहा होता है, एक बाबा बाबा कर रही होती है ना। मेरी हमारी गुड़िया छोटी सी। ये फ्रोजन पराठे हैं, अभी आप इसे बनाकर गूंद कर बेल कर फ्रीजर में आप फ्रीज कर सकते हैं। तकरीबन एक महीने तक ये रह सकते हैं आराम से फ्रिज के अंदर, वहाँ पे पार्टी कर सकते हैं पराठे अंदर बैठ के फ्रिज में। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इससे मक्खन मलाई की तरह गूंदे। बस ये ध्यान रहे कि आपकी, अगर आप बना रहे हैं अपनी वाइफ के लिए तो वो गुस्सा ना हो, और अगर आप बनाए तो बर्तन वापस धो के जरूर रखते। ठीक है, तो आपकी डो तैयार हो गई है, आटा गूंदा हुआ जो है तैयार हो गया। अब इसे सेट होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे ताकि इसमें हवा लग जाए, अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। फिर इसको गूंद के इसकी पेड़े बना के इसकी पराठे बना देंगे। जी तो व्यूअर्स देखिए, ये आपके आटे की डो तैयार है और ये बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह हो गई है। यहाँ पर थोड़ी सी खुश्क आटा यानी कि मैदा, खुश्क मैदा रखें और थोड़ा सा घी, और यहाँ पर अब हम बनाएंगे इसे फ्रोजन पराठे की। ये तो आपको बना के दिखा देंगे, पका के फ्राई करके, और बाकी प्रिजर्व करना सिखाएंगे, फ्रीजर में रखना कैसे।
देखिए इस तरह से इसमें चारों तरफ घी लगा दें, फिर इसे इस तरह से रैप कर दें गोल गोल। देखिए किस तरीके से इसे रैप कर रहे हैं गोल गोल। अब इसे यूं बालूशाही की तरह शेप दे देंगे। इसे प्रिजर्व करने के लिए आपको फूड ग्रेड प्लास्टिक की जो है वो शॉपर चाहिए होंगे, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग चाहिए होंगे, प्लास्टिक बैग, उसमें आप इसे प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रीजर के अंदर। देखें इस तरह से लच्छेदार फ्रोजन पराठा डॉन पराठा तैयार हो जाएगा। देखें इसके लच्छे भी नजर आ रहे हैं जो उसकी लेयर्स होती हैं। नाज़रीन इसे फ्रोजन पराठे को या डाउन पराठे को प्रिजर्व करने का तरीका, एक पॉलीथीन शीट जो है इस तरह से ले लें फूड ग्रेड प्लास्टिक, उस पर ये पराठा रखें, गोल रख के उसके ऊपर आप और पराठा भी रख सकते हैं इस तरह से कच्चे। अब आप चाहे तो 3, 4, 5 जितनी भी लेयर चाहें हर जो पॉलीथीन बैग है उसके बाद उसमें आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके डाउन पराठे। तो हम जो है एक पराठा आपको फ्राई करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर तवा गर्म है एकदम। ये रहा आपका पराठा तैयार। बंद कर दो।